वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 2 रुपए 60 पैसे और आज के दिन स्टॉक में 10% का सर्किट लगा है। इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे कि आज क्यों हमें अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है, एज वेल एज कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे और आगे के टारगेट की बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 221 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफी छोटी कंपनी है और इसका करंट प्राइस और बुक वैल्यू काफी आसपास चल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और आरओसी आरओई भी कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा है। खासकर हम पैनी स्टॉक में इतना अच्छा आरओसी आरओई किसी भी दूसरे कंपनीज का नहीं देखते हैं, लेकिन इस कंपनी का आरओसी आरओई बहुत ज्यादा अच्छा है। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ कंपनी ने यहाँ पे 2 करोड़ का घटाया है और एसेट कंपनी पर काफी ज्यादा ठीक ठाक है। 275 करोड़ का एसेट है, 115 करोड़ का रिजर्व है कंपनी पास और प्रमोटर की होल्डिंग 26% के आसपास है। प्लस्ड परसेंटेज भी 0% है। और बात करते हैं इंडस्ट्री के वैल्यूएशन की तो 25.4 है और इस स्टॉक का वैल्यूएशन 16.7 है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पे कम है तो इससे हम क्या और समझ सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे फैक्टर देखें तो 13% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने अभी तक दिखाई है और 6.76 रुपए का हाई लगा और तब से लगातार इसमें गिरावट हो रही है। कंपनी का बिजनेस जैसा कि आप जानते होंगे ब्रोकिंग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पर इंडस्ट्री के हिसाब से कम चल रहा है, तो यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखिए पी रेशियो यानी वैल्यूएशन, तो प्राइस पर अर्निंग रेशियो होता क्या है यहाँ पे आपको समझना होगा। तो स्टॉक का जो करंट प्राइस है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से तो यहाँ पे आपको पी रेशियो मिल जाता है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कंपनी का ज्यादा रहेगा तो अच्छी बात है। तो अगर पी रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या है कि अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर ज्यादा होने से क्या मतलब हम निकाल सकते हैं, पर शेयर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। और अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो जाएगा तो पी रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल कंपनी का अच्छा है क्योंकि आरओसी आरओई भी अच्छा है यहाँ पर और सेल्स ग्रोथ कंपनी के 13% के आसपास है और पी रेशियो भी हमें कम देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कंपनी के सेल्स में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो 2 डिजिट में नहीं आती थी सेल्स, 1 डिजिट में सेल्स आती थी, लेकिन देखिए मार्च 2021 से क्या हुआ है, लगातार हमें 2 डिजिट में सेल्स आते हुए देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी पहले देख सकते हैं आप, लॉस में था, लगातार कंपनी लॉस में थी, लेकिन फिर क्या हुआ, लगातार कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। हालांकि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर क्वार्टर पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कंपनी को हैंडल करने होते हैं, उस वजह से शायद यहाँ पर कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो कम देखने को मिली है। हो सकता है कंपनी के यहाँ पर जो भी जो यहाँ पे लायबिलिटी है यहाँ पे कम करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंस खर्च कर दिए हो, इस वजह से थोड़ा सा क्या है हमें नेट प्रॉफिट कम देखने को मिला हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। पहले के टाइम में क्या था कि सेल्स इतनी नेट प्रॉफिट इतना आता था, 6 करोड़ का, 8 करोड़ का, 7 करोड़ का, 10 करोड़ का, लेकिन अब क्या हो रहा है 12 करोड़ 14 करोड़ 2 सालों से काफी ज्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुका है, 15 पैसे का अर्निंग पर शेयर और 17 पैसे का अर्निंग पर शेयर है। तो अर्निंग पर शेयर देखिए पहले 0 था, पहले कम था, और जब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है तो यहाँ पर पी रेशियो कम हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में 8% के रेट से सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट 92% बढ़ा है, सीएजीआर 16% बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3% बढ़ा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 26.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआई की होल्डिंग 0% है और पब्लिक की 73.60% है। इसका सर्किट फिल्टर 10% का है, प्लस किसी भी सर्वेलेंस में ये स्टॉक नहीं है। और आज के दिन देखिए कितना वॉल्यूम आया है तो 44,99,000 का, यानी कि आप इसको 45 लाख अज्यूम कर सकते हैं, 45 लाख का वॉल्यूम आया है और 22,54,000 की डिलीवरी क्वांटिटी आज उठाई गई है, 50% जो कि कंप्यूट करके आएगा। आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 रुपए 40 पैसे के आसपास एक सपोर्ट था जो कि ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 के आसपास का सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक लगातार बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, लगातार सेलिंग आई, तो यहाँ तक आने के बाद क्या है फिर उसी सपोर्ट पे आ चुका है। 2 रुपए 40 पैसे का जो सपोर्ट था जो कि दिसंबर में बना हुआ था वो फिर से सपोर्ट पे स्टॉक आके खड़ा हो गया, इस वजह से आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला है 10%, इसी वजह से आज ये स्टॉक ऊपर गया है। तो अब बात करते हैं कि आगे का क्या टारगेट रहने वाला है। तो 4 रुपए 50 पैसे का टारगेट आपको इस स्टॉक में अचीव होते हुए देखने को मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट जब प्लस होगा तो ये स्टॉक भी आपको रिटर्न काफी अच्छा दे सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल जिस तरह से हमने कंपनी का देखा, तो यहाँ पे अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो जरूर आपको यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक को बाय सेल करने से पहले लेकिन अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।